रानी दीदी जी, हमारे यहां बेगूसराय की जो ब्रह्म कुमारी के मुख्य संचालिका है कंचन दीदी, और मुंगेर प्रमंडल स्थित मुंगेर मुख्यालय में जो संचालिका है जयमाला दीदी, अन्य सभी हमारे ब्रह्म कुमारी संस्था से यहां जुड़े हुए सभी हमारी बहनें और हमारे भाई, विशेष रूप से आज के इस माहौल को और ज्यादा आध्यात्मिक मनोरम बनाने वाले यहां विद्यालय के जो अपनी कला का अनूठा प्रदर्शन करने वाले हमारे प्यारे बच्चे, उनके शिक्षक, उनके अभिभावक और मंचासीन, हमारे अन्य अतिथिगण जिनमें मुख्य रूप से जो हमारे साथ डीआईजी साहब बैठे थे, इसके अतिरिक्त पूर्व विधान पार्षद, यहां के मेयर, डिप्टी मेयर, यहां इस गणेश दत्त विद्यालय के प्राचार्य, यहां आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, यहां के जो संस्थान के जो महाप्रबंधक हैं, यहां हमारे सामने बैठे हुए सभी प्रबुद्ध व्यक्तिगण, भक्तगण, और जो विशाल जनसमूह मैं अपने समक्ष देख रहा हूं, खासकर महिलाओं की संख्या जो बहुत बड़ी संख्या हमें नजर आ रही है, आप सबको इस पावन अवसर पे मेरे द्वारा हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। आज ब्रह्मा कुमारी के समागम स्थल पे आने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और खासकर एक उद्देश्य से कि किस तरीके से हम अपने भारत को, एक उगता हुआ भारत, और किस तरीके से वो है आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से, वो हम लोग प्रयासरत होकर किस तरह बना देंगे, उसकी जो परिकल्पना संजोकर हम लोग जो प्रयासरत है, उसमें मेरी उपस्थिति यहां दर्ज कराने में ब्रह्मा कुमारी ने जो मुझे यहां बुलाया है, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली में समझ रहा हूं, बहुत बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। और विशेष रूप से जो आप सबों के समक्ष जिस तरीके से आप लोगों ने शांति से बच्चों का जो कार्यक्रम देखा, और ब्रह्मा कुमारी की जो हमारी बहनें हैं उन्होंने जिस तरीके से बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए, मैं तो उतना जानकार नहीं हुआ अध्यात्म के संबंध में, लेकिन मुझे इतना ही लगा कि वास्तव में इन्होंने जो अपने मन में जो विचार व्यक्त किया है, उस विचार पे यदि हम लोग सही रूप से पालन करेंगे तो आध्यात्मिक शांति तो निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगी, हमारे अपने जो मानसिक अवसाद है, दुख है, वो हम दूर कर पाएंगे। और मैं यही समझता हूं, मैं तो दो तीन एक मुझे बहुत पुरानी एक मैंने पढ़ा था, वो मुझे याद आ रहा है कि खाक का पुतला है तू, उस पे तबस्सुम तेज है, खाक में मिल जाएगा तू, खाक से परहेज है। तो ये कहा जाता है कि जब तलक यह खाक उनके नूर से लबरेज है, तब तलक ही इस खाक का उस खाक से परहेज है। और वो नूर जो रोशनी है, उसे रोशन किस तरीके से हम अपने अंतःकरण को करें, अपनी आत्मा को करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें, वो हमारे महानुभाव, हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान के जो हमारे भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो हमें बता रही हैं। मैं आप सबको अपनी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं इस पावन धरती पर हूं, और मुझे उस महान विभूति का जो इस धरती के ही है, उनके कहे हुए अपने चंद पंक्तियों से मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। वो है रामधारी सिंह दिनकर,
उन्होंने चार पंक्तियां कही थी, आप सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन मुझे ये याद आ रहा है कि शांति नहीं है तब तक जब तक सुख न नरकासम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। और हम लोग प्रयासरत रहेंगे निश्चित रूप से। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और हमेशा कहूंगा कि ब्रह्म कुमारी ने जो राह दिखाई है आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सशक्तिकरण करने का, और हमारे देश में जो प्रयास किया जा रहा है खास करके नारी सशक्तिकरण के माध्यम से, उसका हम लोग निश्चित रूप से पालन करें। हमारे राज्य सरकार के स्तर से भी दो तीन चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं, एक है नशा मुक्ति, जो उन्होंने सबसे पहले कहा, हम लोग हर रूप से कोशिश करें कि नशा से मुक्त रहें। और दो तीन बातें और भी जो हमारे सरकार के स्तर से बहुत खास बातें बताई गई हैं, निश्चित रूप से अगर हम लोग उससे अपने आप को उस व्यसन से दूर रखेंगे, एक है दहेज उन्मूलन, दूसरा है हम लोग बाल विवाह, इन कई चीजें कई बुराइयां जो हमारे यहाँ समाज में हैं उनको हम लोग निश्चित रूप से अपने आप से दूर करें। और जो अभी जो सबसे पहले कहा, क्योंकि मैं आयुक्त हूं और मुझे बिल्कुल बहुत अनुभव है, मेरे पास कई एक मामले, मैं जिला पदाधिकारी भी था अभी कुछ दिन पहले, तो कई एक मामले आते थे जमीन से संबंधित, और निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही सच्चाई मैं आपको दिल से व्यक्त कर रहा हूं कि हमेशा लोग आते हैं और सबसे ज्यादा पेचीदा मामला उनका होता है जो आपस में ही एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा होता है। और क्या होता है, वो जमीन का बंटवारा भी नहीं हो पाता क्योंकि उनके पिताजी गुजर गए बिना वास्तविक बंटवारा उनके बीच में, कागजी रूप से लिखित में कहीं बंटवारा नहीं, और उसके बाद छोड़ गए विरासत में उन भाइयों को आपस में लड़ने के लिए। तो हम लोग इस संस्था से जो हमें जो शिक्षा दी जा रही है उसको निश्चित रूप से अपने मन में संजोकर प्रयास करें कि इस तरीके के जो भौतिक सुख के लिए हम लोग कदापि न लड़ें और आध्यात्मिक सुख को जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद।